अरे गाय माता चलो बाय बाय। क्या कहते हैं झूले? जान को जोखिम में डाल के कोई एडवेंचर नहीं करना बाबा। गजब गजब का माहौल है, लेकिन ये देख रहे हो हवाएं तेज चल रही हैं, लेकिन अभी लेकिन है जबरदस्त एक्सपीरियंस भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका फिर से लद्दाख 2.0 में होंडा शाइन 125 सीसी से। अभी मैं हूँ हुंदर में। पिछला वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो यार आपको पता होगा कि मैं हुंदर आ गया था सैंड ड्यून्स देखने के लिए। उसके बाद मैं रात को यहीं रुक गया। ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं रुका था, काफी सही है। इस प्रॉपर्टी का नाम है ड्यून्स गेस्ट हाउस। अभी हम यहाँ से चलेंगे सियाचिन की तरफ और सुमर होते हुए, और वापस हम सियाचिन से आ जाएंगे, सुमर में रुक जाएंगे आज। अपनी शाइन भी तैयार है, सारा सामान मैंने लोड कर लिया। ये सारा सामान मैं अंदर ले गया था, लेकिन ये पेट्रोल मैंने यही छोड़ दिया था। दोबारा साया बांधना पड़ेगा इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को। बोलते हैं बाय और चलते हैं। चलो जी, फाइनली हो गए हैं तैयार, अब चल रहे हैं यहाँ से सियाचिन की तरफ। जय हवा माइकी। जिस रास्ते से मैं आया था यार, जहाँ से मैंने खलसर से मुड़ा था, वहाँ तक तो यार सेम ही रहेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। कुछ नई चीजें दिखी तो जरूर दिखा दूंगा, बाकी तो बस मैं इसको स्किप ही करूंगा, क्योंकि सेम सेम चीज दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम जाएंगे पहली बार सियाचिन बॉर्डर। चलो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं हम सियाचिन। और यहाँ पे ना जब आप आओगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शन है अंदर में खाने के, रहने के। देख रहे हो हर जगह गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस है। मेरा होटल का जो लड़का था, तो उसने बोला था मोक्ष करके है ये बगल में जो है, यहाँ पे ना थोड़ा खाने वाने का सीन थोड़ा ज्यादा सही है। हम तो थके हुए थे यार, डेटा वगैरह ट्रांसफर करना था, इसलिए मैं बाहर गया नहीं, अपना डेटा वेटा लगा दिया। और रूम शेयर्ड था, तो वैसे ही थोड़ा रिस्क था यार, तो इसलिए मैंने ज्यादा रिस्क लिया हुआ नहीं, मैं आया ही नहीं। वहीं मैंने खाना खा लिया, लेकिन खाना बहुत बढ़िया खाना था। चार पांच दिनों के बाद जो मैंने खाना खाया ना, बहुत मजा आ गया खाना खा के भाई, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी यार। और हम तीन लोग थे, आप तो जानते हो जहाँ मैं जाता हूँ दोस्ती कर लेता हूँ झट से। मेरा जो शेयर्ड रूम वाला था वो भी था, और एक बंदा और था, एक तेलंगाना से था एक कोलकाता से था। तो हम तीनों ने मिल बांट के भैया खा लिया खाना, क्योंकि ज्यादा था खाना वैसे भी, जितना उसने दिया था क्वांटिटी, मात्र 200 रुपए में। बहुत बढ़िया। आप जब आना तो यार ड्यून्स गेस्ट हाउस को एक बार जरा नजर में रखना। और ऐसा नहीं है यहाँ पे खाली शेयर्ड ही मिलते हैं, यहाँ पे आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाएंगे, थोड़े महंगे होंगे, तो हमें महंगे की जरूरत थी नहीं, तो हमने भैया अपना शेयर्ड का ही हाँ बोल दिया। अरे गाय माता चलो। ठीक है जी, तो आप आना तो कभी एक बार जरूर चेकआउट करना इसको, बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये सियाचिन का सफर मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं था, या नॉर्मल बाइक राइड की तरह नहीं था, ये मेरे लिए बल्कि मेरे इतिहास की तरह था। जब मैं स्कूल में था तो मैंने किताबों में पढ़ा था सियाचिन के बारे में, लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि मेरी किस्मत मुझे एक दिन सियाचिन जरूर ले जाएगी। और यहाँ जाते समय अपनी किताबों की बातें, अपने स्कूल की बातें, इन बातों को सोचते सोचते जा रहा था कि जो कभी किताबों में पढ़ा था आज उसे देखने का मौका मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक भी कर देना, पूरी वीडियो देखना, मैं सियाचिन आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी हमने वो ऑफ रोड वाला पैच पार कर लिया है, और यहाँ उड़ रही है देखो गजब की धूल, देख रहे हो, वाह, यही तो है बेस्ट चीज का। दोनों तरफ सैंड ड्यून्स, बीच में रोड, और चलते जाओ, देख रहे हो। मैं सुबह ना अपना बाइक साफ कर रहा था, तो जब मैंने बैग ऊपर रखा ना, बैग में देखा तो बहुत सारी रेत पड़ी हुई थी उसमें। और रेत यहाँ पे उड़ उड़ के ना आपके ऊपर ही आ रही है। गजब गजब का माहौल है, लेकिन ये देख रहे हो हवाएं तेज चल रही हैं, लेकिन अभी लेकिन है जबरदस्त एक्सपीरियंस भाई, इसी रोड का ही पूरा एक्सपीरियंस ही है यहाँ। जब मैं पहली बार लद्दाख आया था तो मैंने हानले के अंदर इतनी तेज हवाओं का सामना किया था एक बाउंडर के साथ, जिसमें मेरी बाइक फंस चुकी थी। और यहाँ पे मैं दूसरी बार आया हूँ लद्दाख नुब्रा वैली के अंदर। ये रेतीली हवाएं जो चल रही हैं ना, इसमें बाइक बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही है चलने के लिए। ये नजारा अच्छा भी लग रहा है नुब्रा वैली के अंदर, चारों तरफ पहाड़ है, इस सड़क पे आप चल रहे हो, रेत उड़ रही है, बहुत ही अच्छा फीलिंग है ये। और आप एक बार यहाँ जाना और ये फील करना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये नजारा मिल ही जाए, कभी कभार ही ये नजारा होता है, तो मैं थोड़ा लकी था तो मुझे ये नजारा देखने का मौका मिला। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम खलसी से यार मुड़ चुके हैं सुमुर के लिए, और पनामिक सियाचिन भी इसी रूट पे ही है। और ये आ चुका है एक ब्रिज। मैंने अभी किसी से पूछा था तो वो कह रहा था कि रोड ऐसे ही है, अगर रोड ऐसे ही तब तो ठीक है, लेकिन ये जो हवाएं शरारत कर रही है ना, ये दिक्कत कर सकती है। जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे, नहीं तो बैक टू पवेलियन आ जाएंगे, और क्या होगा। जान को जोखिम में डाल के कोई एडवेंचर नहीं करना बाबा, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। अच्छा अच्छा, यहाँ से ये रास्ता जाता है पेंगोंग, शियोक होते हुए। अगर आप लोगों को पेंगोंग जाना है ना यहाँ से खलसर से,
तो यहाँ से भी जा सकते हैं। एक रास्ता है शियोक वैली से, वो भी थोड़ा सा डैमेज है रास्ता और थोड़ा सही है। वो जाके सीधा मिलेगा आपको दुर्बुक में, और दुर्बुक से फिर आप जा सकते हो लुकुंग, फिर मिराक। मिराक तो आगे पड़ गया पेंगोंग से, लुकुंग गांव के पास ही है पेंगोंग लेक। गांव थोड़ा पहले पड़ जाता है, लेकिन जहाँ पेंगोंग लेक है ना, वहाँ कोई गांव नहीं है, उसके आगे है और उसके पीछे है। अभी हम चल रहे हैं सुमुर की तरफ। रोड अगर ऐसी है तब तो मजेदार होगी, और मेरे को लगता है रोड इसलिए अच्छी बनाई गई है क्योंकि सियाचिन बेस कैंप में आर्मी के ट्रक जाते होंगे ना, तो क्या पता इसलिए अच्छी बना दी हो कि भैया आसानी से पहुंच जाएं, ज्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसा भी हो सकता है ये वाली रोड बना दी गई हो, अभी वो वाली रोड पे काम चल ही रहा है, बीच बीच में पत्थर तोड़ रहे थे, क्या पता आने वाले फ्यूचर में वो रोड बन जाए अच्छे से। आगे बारिश हो रहा है क्या? अभी शुरू हुआ है। अच्छा रोड ऐसे सियाचिन तक है, ठीक है थैंक यू। बारिश तो देखो अभी अभी स्टार्ट हुई है और रोड बता रहा है ऐसे ही है सियाचिन तक। यार हवा और बारिश बंद हो जाए तो मजा ना आ जाए जिंदगी में, हमेशा के लिए नहीं अभी इस ट्रिप के लिए क्योंकि आप उन अच्छे से बाइक चला पाएगा ना यार। अभी तक टारमेक की सड़कें थी ना मजेदार एकदम, लेकिन बीच बीच में ना यार सैंड आ रही थी रोड के ऊपर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था चलाना, लेकिन अब फिलहाल देखो फिर से सही हो गई है। और चल रहे हैं हम सियाचिन बेस कैंप। पता नहीं भाई कितने लोगों का सपना होता है यार सियाचिन बेस कैंप आना। पहले ना ये टूरिस्ट के लिए नहीं ओपन था क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहते थे। अभी भी हवाएं इतनी तेज है और ठंड इतनी तेज है ना बहुत ज्यादा मतलब, और बीच बीच में आपको थोड़ा सा ऐसे पैचेस मिलेंगे, ये देखो इतना ही था और ये यहाँ से फिर से अच्छी रोड स्टार्ट हो जाएगी। ये है सियाचिन बेस कैंप की रोड, और चल रहे हैं राहुल पांडे होंडा शाइन 125 सीसी लेके। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, समझ रहे हो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई यार, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ भी जो भी है कर दो। वैसे एक्चुअल में है सब्सक्राइब कर दो भाई, बड़ी मेहनत लगती है। और शेयर करो उनको जो भी सियाचिन आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी हो जाएगा अगर ये वीडियो देख के आएंगे तो। राहुल पांडे होंडा शाइन 125 सीसी से आ सकते हैं, तो मतलब यार क्या ही बड़ी बात है फिर उनके लिए यार, के बाद अच्छी बाइक वालों के लिए क्या ही बड़ी बड़ी बात है। बस बड़ी बात यह है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, डिसीजन लोगे तो मजा आएगा आने में, अब डिसीजन ही नहीं लोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। और डिसीजन में बहुत ज्यादा सोचने में ना फिर प्लान कैंसिल हो जाता है, डिसीजन लो और वो स्टार्ट कर दो तो हो जाता है। फिर मैं भी ऐसे बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, कभी कभार मैं भी डिसीजन नहीं ले पाता, वो चीज हो ही नहीं पाती फिर, और कई बार मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और डिसीजन ले लेता हूँ तो वो चीज हो जाती है। अब ये लद्दाख 2.0 ऐसे ही था, मैं कई जगह की ट्रिप देख रहा था यार, कहाँ जाऊँ यहाँ जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है कैंसिल, ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ जा रहा हूँ कैंसिल, तो फाइनली मैंने सोचा लद्दाख 2.0 किया जाए, जो भी हमारे बची हुई प्लेसेस है वो किया जाए, तो इसलिए मैंने ये वाला डिसीजन लिया। अभी हम पहुंच चुके हैं भैया सुमुर विलेज में। सुमुर विलेज के अंदर भी देखो एक बुद्धा की मूर्ति है, और यहाँ पे भी कैमल सफारी वगैरह होती है, लेकिन अभी हमें जाना है सियाचिन। सुमुर विलेज के अंदर यार होम स्टे भी बहुत सही सही मिलते हैं, मैंने वीडियोज में देखा था। अभी वापसी आते समय जब चक्कर लगाएंगे ना तब दिखाऊंगा आपको कि क्या सीन है यहाँ पे, पहले हम जो करने आए वो कर लें। भैया सियाचिन बेस कैंप जरा देख लें कैसा है और आपको भी दिखा दें। सुमुर विलेज नुब्रा घाटी का एक महत्वपूर्ण गांव है, जो कि अपनी ठंडी मरुस्थली भूमि, दो कुबड़ वाले ऊंटों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ये इलाका पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा फेमस है कैमल सफारी के लिए और ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे इस गांव की हरियाली को देखकर आपको जाने का मन नहीं करेगा। आपको एक स्पेशल चीज यहाँ की बताता हूँ, अगर आपको बिल्कुल पीस चाहिए ना, शांति चाहिए, तो एक रात इस गांव में जरूर बिताना। जिस तरह रात को सब सो जाते हैं उसके बाद शांति होती है, उसी तरह यहाँ दिन में भी आपको कोई भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। इस छोटे से गांव को घूमता हुआ मैं आगे बढ़ जाता हूँ सियाचिन की तरफ। एक चीज आपको यार और बतानी है कि जैसे आप जब आओगे ना सियाचिन बेस कैंप, तो रास्ते में ना बहुत सारे कट मिलेंगे आपको कि लेफ्ट राइट, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे सीधे चलना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है, सीधे चलते रहना, सीधे वाले रास्ते पे ही आएगा सियाचिन बेस कैंप। उससे पहले एक और जगह आएगी पनामिक, पनामिक अभी सुमुर से तकरीबन 22 किलोमीटर है। क्या नाम है तुम्हारा? संजन जयपुर। और तुम्हारा क्या? वांगमो। लो तुम भी लोगे, तुम तो खा रहे हो, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? तीनों के एक जैसे नाम है। हेलो तुम भी लो, दो दो, एक तुम ले लो एक तुम ले लो, ठीक है, बाय बाय। क्या कहते हैं झूले? एक फोटो ले लो, एक आ जाओ इधर,
बच्चे मिले थे यार, जरा इनको टॉफी दे दी। ये देखो ये बस आ गई भैया।